ये है असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट। ये नाम काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में, सुर्खियों में रहता है, चाहे फिर वो इंडियन गवर्नमेंट के कुछ मुद्दों के खिलाफ बोलने में हो या फिर अपोजिशन पार्टी के एलिगेशंस लगाने में हो, आरोप लगाने में हो कि ये बीजेपी की बी टीम है। इन सभी मुद्दों के वजह से ये नाम जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में दिखाई देता है। आए दिनों हमें इस बारे में सुनने में मिलता ही है कि कोई अपोजिशन पार्टी ने एमआईएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम बोल दिया, चाहे वो कांग्रेस हो या अदर कोई पार्टी, सभी इनको कंसीडर करते हैं बीजेपी की बी टीम। खबर आ रही है, बड़ी खबर है, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया ओवैसी की पार्टी पर वोट कटवा बनकर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज से उस राज जाते हैं और इनके क्या सच में ये बीजेपी की बी टीम है। तो अब हो सकता है कि ये बीजेपी की बी टीम हो और नहीं भी। सो इस वीडियो में हम इसी चीज को देखेंगे कि सच में एमआईएम पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करती है बीजेपी की हेल्प करने के लिए, जहां वो वोट कटिंग करके अपोजिशन पार्टी को हराती है और बीजेपी को जिताती है। अब ये चीज देखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा बिहार के इलेक्शन को। हम एक स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे जहां बिहार में एमआईएम पार्टी के तकरीबन 20 कैंडिडेट को खड़ा किया गया था, जिसमें से 5 कैंडिडेट चुन के आए थे और बाकी सब वो सीट से हार चुके थे। तो हम उसी जगह को, बिहार के लोकेशन को कंपेयर करेंगे, वहाँ के स्टैटिस्टिक उठा के देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस जगह पे जहाँ बीजेपी चुन के आई थी और एमआईएम भी खड़ी हुई थी, तो क्या उस जगह पे एमआईएम ने वोट कटिंग किया था या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री है बट मुझे इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाने के लिए, बनाने के लिए। बिहार के स्टैटिस्टिक देखने से पहले हमको समझना होगा कि वोट कटिंग किसे कहते हैं। सो वोट कटिंग समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक लोकेशन से 3 पार्टी खड़ी हुई थी, ए पार्टी, बी पार्टी और सी पार्टी। ये जो सी पार्टी है वो खड़ी हुई थी एज अ वोट कटिंग, फॉर एग्जांपल की वो वोट कटिंग के लिए खड़ी की गई थी। अब ए पार्टी के पास में वोट आते हैं तकरीबन 15,000, बी पार्टी के पास में आते हैं तकरीबन 10,000 वोट और सी पार्टी के पास में आते हैं तकरीबन 7,000 वोट। अब इस चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ए पार्टी यहाँ जीत जाती है क्योंकि उसके पास में सबसे ज्यादा वोट है, जहां वो बी पार्टी से 5,000 मार्जिन के वोट से जीतती है। बट जो बी पार्टी है अब वो ऐसे एलिगेशंस लगाती है कि जो सी पार्टी खड़ी की गई थी, ज्यादातर ये एमआईएम पे ही लगाया जाता है कि एमआईएम ही कैंडिडेट ऐसे खड़े करती है। तो ये जो 7,000 वोट सी पार्टी को मिले थे वो 7,000 वोट भी बी पार्टी को मिल जाते और 17,000 वोट बी पार्टी के पास में हो जाते। तो इस हिसाब से ए पार्टी से बी पार्टी के पास में 2,000 वोट ज्यादा रहते, तो बी पार्टी यहाँ 2,000 वोट से ज्यादा जीत जाती। सो ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, अब इसे ही कहते हैं वोट कटिंग। अब रियल हम इसको एग्जांपल्स में तो हमने देख लिया, बट अब इसको हम बिहार के इलेक्शन में भी कंपेयर करके देखेंगे जहाँ बीजेपी जीत के आई थी और वहाँ एमआईएम भी खड़ी हुई थी। तो पहले बात करते हैं बिहार का लोकेशन छत्तापुर, जहां पर एनडीए की सरकार यानी बीजेपी की सरकार चुनके आई थी और वो तकरीबन 20,000 मार्जिन के वोट से चुनके आई थी, मतलब 20,000 वोट के मार्जिन से, समझने की कोशिश करिए। अब अगर 20,000 मार्जिन के वोट से अगर छत्तापुर में एनडीए की सरकार चुनके आई थी, तो इस हिसाब से एमआईएम पार्टी को कम से कम 21,000 वोट मिलने चाहिए थे, जिस हिसाब से यहाँ फिर ऐसा कंसिडर किया जा सकता है कि एमआईएम पार्टी ने वोट कटिंग किया था। बट वहां के एमआईएम के आंकड़ों को उठा के देखे तो एमआईएम को सिर्फ और सिर्फ 2,000 के आसपास वोट आए थे। तो अब इस हिसाब से अगर देखें तो इस जगह पे ना के बराबर एमआईएम पार्टी ने वोट खाए थे या वोट कटिंग की थी। दूसरा लोकेशन है बरारी, जहां पर एनडीए की सरकार बनी थी, जहां बीजेपी चुनके आई थी। इस जगह पे बरारी में एनडीए 10,500 वोट तकरीबन के मार्जिन से जीता था। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एनडीए सरकार अगर 10,500 मार्जिन के वोट से जीता था तो एमआईएम पार्टी के पास में कम से कम 11,000 वोट चाहिए, तब जाके अपोजिशन पार्टी वाले यहाँ पर एलिगेशन उन पे लगा सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने वोट कटिंग किया था। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो एमआईएम पार्टी को 6,500 वोट मिले थे। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एमआईएम पार्टी ने किसी भी तरीके का वोट कटिंग नहीं किया था। यहाँ भी डायरेक्टली जो है एनडीए अच्छे खासे मार्जिन से जीत के आया था, जहाँ एमआईएम का कुछ भी वोट कट करने में हाथ नहीं था। तीसरा लोकेशन है नरपतगंज, जहाँ पर यहाँ भी एनडीए की सरकार बनी थी, यहाँ एनडीए की सीट चुन के आई थी और यहाँ एनडीए की सीट तकरीबन 28,500 वोट के मार्जिन से जीत के आई थी। तो अब इस हिसाब से यहाँ भी देखा जाए तो एमआईएम पार्टी को तकरीबन यहाँ तकरीबन 29,000 वोट मिलने चाहिए थे, जिसके हिसाब से फिर यहाँ भी एमआईएम पार्टी वोट कटिंग कर सकती थी।
बट यहाँ अगर देखें तो एमआईएम पार्टी को सिर्फ 9,500 वोट मिले थे, जिस हिसाब से यहाँ पर भी किसी भी तरीके की एमआईएम पार्टी ने वोट कटिंग नहीं किया था। चौथा है प्रनानपुर, जहाँ पर एनडीए की सरकार 3,000 वोट के मार्जिन से जीती थी और एमआईएम पार्टी को वहाँ सिर्फ 500 वोट आए थे। पांचवा है साहेबगंज, जहाँ पर एनडीए की सरकार को तकरीबन 15,000 वोट के मार्जिन से जीती थी और उस जगह अगर देखा जाए एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट को तो सिर्फ और सिर्फ 4,000 वोट मिले थे। तो अब इस हिसाब से यहाँ पर भी किसी भी तरीके का वोट कटिंग एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट द्वारा नहीं किया गया था। एक बिहार में और एक लोकेशन है जहाँ पर ताकिर आलम नाम का एक कांग्रेस का लीडर काफी ज्यादा स्ट्रांग था, वो 3,000 वोट से हरा था, 3,000 वोट के मार्जिन से। तो यहाँ पर भी एमआईएम को काफी ज्यादा टारगेट किया गया था, बट अगर हम वहाँ के लिस्ट को देखें तो एमआईएम पार्टी का नाम काफी ज्यादा नीचे आता है। बट अगर वही लिस्ट में हम 3 नंबर पे नाम चेक करें, इशरत परवीन, जिसने तकरीबन 20,000 वोट उस जगह पर से खुद लिए थे, तो अगर इशरत परवीन वहाँ खड़ी नहीं होती तो ये इसमें से अगर 5,000 या 6,000 7,000 वोट भी कांग्रेस के पास जाते तो क्लियरली कांग्रेस वहां जीत के आती। बट यहाँ इशरत परवीन को टारगेट नहीं किया गया था, यहाँ पूरी तरीके से एमआईएम को टारगेट किया गया था, चाहे आर्टिकल्स हो या किसी पॉलिटिशियन द्वारा। अब ये एलिगेशंस बस कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि बाकी के पार्टी भी एमआईएम पार्टी पे एलिगेशंस लगाते हैं, जहाँ तेजस्वी यादव ने 2022 में एलिगेशंस लगाए थे सेम के बीजेपी की बी टीम में, और दूसरा जयराम रमेश ने भी एलिगेशंस लगाए थे कि ये बीजेपी की बी टीम है। सो ऐसे एलिगेशंस आपको लगते हुए दिखेंगे जब भी इलेक्शन होगा और जहाँ पर एमआईएम पार्टी खड़े हो जाएंगी उस जगह पे उनको टारगेट करके, अगर कोई अपोजिशन पार्टी हर जाती है तो उनको टारगेट करके बीजेपी के बी टीम बुलाते हुए खुद की जो हार को छुपाने की कोशिश करते हुए हमको दिखाई देंगी। अब ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि ये बीजेपी की बी टीम है या नहीं। अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये बी टीम नहीं है, क्योंकि हमने देखा काफी ज्यादा लोकेशन पे ऐसे मार्जिन से काफी ज्यादा कम नंबर थे एमआईएम पार्टी के पास में, तो उस जगह पे किसी भी तरीके की वोट कटिंग नहीं की गई। और क्या भरोसा कि अगर उस जगह पे एमआईएम पार्टी खड़ी भी नहीं होती और उसके पास में अगर 10,000 वोट भी होते तो अपोजिशन वालों को पूरे के पूरे 10,000 वोट वो मिल जाते? क्या वो 5,000 वोट ही अपोजिशन पार्टी को मिलते और 5,000 वोट और उसी पार्टी को चले जाते? तो ऐसे ये जो है एलिगेशंस लगाए जाते हैं या व्हाट्सएप पे आपको फॉरवर्ड करके डाइवर्ट किया जाता है, तो इससे आप बचिए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।